actually sent out a circular to say that examinations of a prestigious university like Jawaharlal Nehru University should be held on WhatsApp and email. This is the letter of the Teachers Association to the President of India saying you are making a mockery of Jawaharlal Nehru University. जो कुलपति शिक्षा के पक्ष में काम कर रहा है वो क्या यूनिवर्सिटी एग्जाम व्हाट्सएप पे कराना चाहते हैं? आप सवाल व्हाट्सएप पे भेजोगे, छात्र कहाँ पे उसका जवाब लिखेगा? क्या नकल कर रहा है? क्या वही छात्र उसका जवाब दे रहा है? इसका कोई सिस्टम नहीं है. जो फॉरेन लैंग्वेजेस का एग्जाम होता है वो ओरली होता है. क्या आप ओरल एग्जाम भी व्हाट्सएप पे कराएंगे? डज ही हैव एनी आंसर? अ वाइस चांसलर हु सेज ही इज इन फेवर ऑफ एग्जाम. ये टीचर्स एसोसिएशन की चिट्ठी भी हम आपको प्रेस मीट के बाद देंगे. फी हाइक को लेकर 70 दिन से ज्यादा जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उस फी हाइक को जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने 13-11 को पास किया, इसकी सभा कहाँ हुई थी आप लोगों को पता है? उन्होंने सुबह 10 बजे का मीटिंग बुलाया कैंपस के अंदर. जब लोग पहुंचे पता लगा कि वेन्यू बदल के आईटीओ पे चला गया है. आईटीओ पे 4 या 5 लोग पहुंचे जो वाइस चांसलर के समर्थक है और उन्होंने फी हाइक पास कर दिया. कैन यू इमेजिन ए वेन्यू ऑफ अ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी विच इज द हाइएस्ट बॉडी ऑफ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिफ्ट हिज वेन्यू फ्रॉम द कैंपस टू आईटीओ और वेर एवर इन द मॉर्निंग ऑफ द मीटिंग एंड पासिस द फी हाइक. ये सच्चाई है और ये चीजें आज तक न्यूज पे नहीं आई है, सिर्फ वाइस चांसलर के ही इंटरव्यू आ रहे हैं. ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ने 17-11 को हाई पावर्ड कमेटी का एक गठन किया कि जेएनयू कैंपस में पढ़ाई शुरू हो, आंदोलन खत्म हो. वाइस चांसलर रिफ्यूज टू गो बिफोर दिस कमेटी. ही वॉन्टेड नो रेजोल्यूशन. उन्होंने जान के डेडलॉक को रखा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में. इसका क्या कारण है? जब से उनकी नियुक्ति हुई है कम से कम 100 फैकल्टी मेंबर्स जो आरएसएस माइंडेड है, जो पहले एबीवीपी के कार्यकर्ता थे, उनकी नियुक्ति उन्होंने की है. टू गिव वन एग्जांपल, धनंजय सिंह जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सॉरी जो चीफ प्रॉक्टर हैं, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर थे वो, और असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनने के लिए एसोसिएट प्रोफेसर बनने की जरूरत है, जिसको सेंट्रल मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया. पर वाइस चांसलर ने एक एसोसिएट प्रोफेसर को इमीडिएटली प्रोफेसर के रूप में उसको प्रमोशन दे दिया. ही हैज कंसिस्टेंटली सैफ्रनाइज्ड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एट द डिक्टेट ऑफ द आरएसएस. एक आखिरी पर महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहती हूँ. स्टूडेंट्स यूनियन की एक चिट्ठी है जो 2 जनवरी को उन्होंने वाइस चांसलर को लिखा. दिस इज दैट लेटर. इस 2 जनवरी के चिट्ठी में स्टूडेंट्स यूनियन वाइस चांसलर को कह रहे हैं, आपने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी 1 तारीख को. रजिस्ट्रेशन में ये मैंडेटरी है कि आपको सारा फी जमा देना है. इट इज एक्चुअली अप्लाइंग द फी हाइक टू द बैकडोर. फिर भी छात्र यूनियन ने स्पष्ट रूप से लिखित में कह दिया कि आप रजिस्ट्रेशन करिए, आप नया सेमेस्टर चालू कीजिए, सिर्फ फी हाइक को आप लागू मत करिए. जो छात्र विश्वविद्यालय में शिक्षा नहीं चाहता, वाइस चांसलर कह रहे उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए वो राजी थे नए सेमेस्टर में, पर वाइस चांसलर के उनके चिट्ठी का जवाब नहीं दिया. Now I come to the police action. आप लोगों ने टेलीविजन में देखा कि पुलिस खड़ी रही, लोग डंडे चलाते रहे, पथराव होता रहा, दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया. वाइस चांसलर का प्रेस रिलीज कहता है कि 4:30 बजे उन्होंने पुलिस को फोन किया. 4:30 बजे एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस को फोन किया. उनका अपना प्रेस रिलीज है 5 जनवरी का. पुलिस कहती है 7:45 तक हमें कोई परमिशन नहीं मिली कैंपस के अंदर जाने के लिए. अब कौन झूठ बोल रहा है? या वाइस चांसलर झूठ बोल रहे हैं या दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है, वो बीच एक दूसरे से तय कर ले कि झूठ कौन बोल रहा है. 3 FIR लॉज हुए. 003,
004006। आप उन एफआईआर को पढ़िए जो 003004 है, दे आर फाइल्ड बाय द सिक्योरिटी कंपनी। जो सिक्योरिटी कंपनी एक बार नहीं बार बार इन एफआईआर पे कह रही है कि सीआईएस सिस्टम को तोड़ दिया। आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट जस्ट वन थिंग, एफआईआर में खुद सिक्योरिटी कंपनी कह रही है कि लोग नकाब डाल के, स्टूडेंट्स नकाब डाल के आए, उन्होंने सीआईएस सिस्टम तोड़ दिया, पर 8 स्टूडेंट्स का वो नाम लेते हैं एफआईआर में। मैं दिल्ली पुलिस से सवाल करती हूं कि आपने तीनों एफआईआर में आपने डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन लगाया। आज अगर एक प्रोफेसर का सर फट जाता है जिसमें 16 टाके लगे हैं, सर पे वार हुआ है, आपने अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन क्यों नहीं लगाया?